दोस्तों छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 हेतु निर्धारित एप्लीकेशन सीजीसीएस ऐप का यूज प्रगणक एवं सुपरवाइजर कैसे करेंगे, आइए दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। इसके बाद यहां सर्च बार में आपको लिखना है CGSSES सीजीसीएस और सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ टॉप में आ जाएगा एप्लीकेशन, देख सकते हैं इसका लोगो, छत्तीसगढ़ का नक्शा बना हुआ है और इसमें लिखा है सीजीसीएस 2023। तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके में आएगा इंस्टॉल का ऑप्शन। चूंकि मैंने इसे पहले से इंस्टॉल करके रखा है इसलिए यहाँ पे आ रहा है अनइंस्टॉल और अपडेट का ऑप्शन। दोस्तों प्ले स्टोर में जो एप्लीकेशन अभी अवेलेबल है सीजीसीएस का, वो पूर्णतः अपडेटेड नहीं है। यदि आप इसे एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे तो अभी वर्क नहीं करेगा, आपके में ओटीपी नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों आपको समझाने के लिए मैं एक डेमो एप्लीकेशन का यूज़ करता हूँ। तो यहाँ से हम फिर बैक आ जाते हैं और इसे ओपन कर लेते हैं। जैसे आप ओपन करेंगे तो इसका फर्स्ट इंटरफेस कुछ इस तरह से शो होगा, छत्तीसगढ़ राज्य सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023, और यहाँ पर आ रहा है मोबाइल नंबर भरें। तो यहाँ पर आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का यूज़ करना है। तो चलिए दोस्तों चूँकि मैं एक आपको समझाने के लिए डेमो वीडियो बना रहा हूँ इसलिए यहाँ पे डेमो नंबर यूज़ करता हूँ। इसके बाद लॉगिन करें बटन पर क्लिक करना है। लॉगिन करें बटन पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह प्रोसेसिंग लेने के पश्चात आपके मोबाइल में एसएमएस बॉक्स में 6 डिजिट का एक ओटीपी प्राप्त होगा जिसे आपको यहाँ पर फिल कर देना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर मैं एक डेमो ओटीपी डाल देता हूँ और यहाँ आई बटन बना हुआ है, इससे आप अपने ओटीपी को देख भी सकते हैं इस तरह से। इसके पश्चात चलिए फिर से हम लॉगिन करे पर क्लिक करते हैं। लॉगिन करे पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ टॉप में देखिए दोस्तों लिखा हुआ है मेंबर एक की जानकारी, मेंबर दो की जानकारी। तो मेंबर एक और दो कौन है? ये है दोस्तों प्रगणक। एक टीम में 2 सदस्य होंगे, एक महिला और एक पुरुष। कहीं कहीं पर 2 महिला भी हो सकते हैं, 2 पुरुष भी हो सकते हैं। तो प्रगणक एक की जानकारी देखने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस तरह से मेंबर एक की जानकारी आ जाएगा। प्रगणक के बैंक खाता क्रमांक की जानकारी, नाम, बैंक खाता, आईएफएससी कोड। इसी तरह से आप मेंबर टू की जानकारी देख सकते हैं। और यदि आप इस एप्लीकेशन से लॉग आउट होना चाहते हैं तो टॉप राइट कॉर्नर में देखिए एरो का निशान बना हुआ है रेड कलर में, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आ रहा है देखिए अलर्ट, कन्फर्म कर रहे हैं आप लॉग आउट करना चाहते हैं। यदि आप लॉग आउट होना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर क्लिक करना है, अन्यथा नहीं पर क्लिक कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पर नहीं पर क्लिक करते हैं। इसके पश्चात बहुत ही महत्वपूर्ण 3 ऑप्शंस हैं यहाँ पे लिखा हुआ, देखिए छत्तीसगढ़ राज्य सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023। इसके जस्ट नीचे 3 ऑप्शंस हैं। पहला महत्वपूर्ण ऑप्शन है राशन कार्ड से सर्वे की एंट्री करें। दोस्तों अधिकतर सर्वे की एंट्री हम इसी ऑप्शन की सहायता से करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों जो छत्तीसगढ़ राज्य सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण हो रहा है इसका बेस है राशन कार्ड, यानी कि राशन कार्ड जिसके पास है उसी का सर्वे हमें करना है। दूसरा ऑप्शन है नया सिरे से सर्वे की एंट्री करें। इस ऑप्शन का उपयोग हम तब करेंगे जब हमें जनपद पंचायत से प्राप्त सूची में परिवार का नाम नहीं मिलेगा और उसके पास पहले से राशन कार्ड है, यानी कि सूची में नाम नहीं है लेकिन उसके पास राशन कार्ड है, तब हम इस ऑप्शन का उपयोग करेंगे। तीसरा महत्वपूर्ण ऑप्शन है सर्वे डाटा को सर्वर में अपलोड करें। दोस्तों प्रतिदिन हम जो सर्वे करेंगे उसे इंटरनेट क्षेत्र में आकर के यहाँ से सिंक करना है, अपलोड करना है, अदरवाइज हमारा जो डाटा है वो इरेज भी हो सकता है। तो आप चाहे तो एक परिवार की एंट्री करने के पश्चात अपलोड करें या फिर दो, या फिर आप एक दिन में जितना भी आप करेंगे उसे एक साथ अपलोड कर सकते हैं। तो ये कार्य आपको अनिवार्य रूप से करना ही है। इसके पश्चात एक और महत्वपूर्ण ऑप्शन है जिसके बगैर हमारा सर्वे का काम बिल्कुल नहीं होगा, ये ऑप्शन है दोस्तों PDF का डाटा डाउनलोड करें। तो राशन कार्ड से सर्वे की एंट्री करने के लिए आपको ये ऑप्शन को जरूर क्लिक करना है। तो सबसे पहला कार्य हम यहीं से शुरू करेंगे, PDF का डाटा डाउनलोड करें, इस पर क्लिक करना है। यहाँ नीचे में देखिए दोस्तों लिखा भी है कृपया ध्यान देवें, सर्वप्रथम PDF का डाटा डाउनलोड करें बटन पर क्लिक करके राशन का डाटा डाउनलोड करें और फिर सर्वे की जानकारी भरें, यह अनिवार्य है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। देखिए आ गया, PDF का डाटा डाउनलोड हो गया है। अब हम
एंट्री का कार्य करेंगे, सर्वे का कार्य। इसके लिए हमें यहाँ पर क्लिक करना है। देखिए दोस्तों, जैसे ही आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से संबंधित ग्राम में जितने भी राशन कार्डधारी है उसकी सूची इस तरह से ओपन हो जाएगा। देखिए दोस्तों, बहुत सारी जानकारियाँ हैं। तो यदि आप किसी एक राशन कार्ड का नंबर खोजना चाहते हैं तो यहाँ से मिलना मुश्किल होगा। तो आपको क्या करना है, संबंधित परिवार से राशन कार्डधारी से राशन कार्ड नंबर लेकर के यहाँ पे लिखना है और सर्च करना है, तभी आपको बड़ी आसानी से मिल पाएगा। इसके पश्चात आपको आगे का प्रोसेस में बढ़ना है। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पे एक और ऑप्शन है, देखिए सर्वे पूर्ण एंट्री लिस्ट। आप जितना भी सर्वे करेंगे उसे यहाँ से ओपन करके देख सकते हैं। तो ये हम आगे देखेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ से किसी एक को चयन करते हैं। जैसे कि पहला नंबर ले लेते हैं, ये वाला राशन नंबर, मुखिया का नाम अनिता बाई साहू। यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से प्रपत्र ओपन हो जाएगा, छत्तीसगढ़ राज्य सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023। तो सबसे पहला ऑप्शन है पता, इसमें रहेगा जिला, विकासखंड, पंचायत, ग्राम, पिन कोड। इसके बाद यहाँ पे चार डिजिट का आपको मकान नंबर फिल करना है। तो जैसे कि हम पहला सर्वे कर रहे हैं तो यहाँ पे हम फिल करेंगे 0001। यह इस तरह से स्टार्ट होगा। इसके बाद है परिवार के मुखिया की जानकारी, नाम आधार कार्ड में जैसा है। अधिकतर राशन कार्डधारी में जो परिवार के मुखिया हैं वो महिला हैं, तो यहाँ पे महिला का नाम रहेगा। कहीं कहीं पर पुरुष भी हो सकता है। यहाँ पे रहेगा संबंधित का आधार नंबर। दोस्तों, जब आप इस प्रपत्र को ओपन करेंगे तो बहुत सारी जानकारी आपको फिलअप मिलेगा, लेकिन हार्ड कॉपी में आपको हर एक जानकारी को भरना होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर है लिंग, आयु, मोबाइल नंबर। यदि परिवार के मुखिया के पास मोबाइल नंबर नहीं है तो परिवार के मुखिया के सहमति से किसी भी सदस्य के मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर है निःशक्त है या नहीं। तो हाँ के लिए संबंधित व्यक्ति के पास निःशक्तता का प्रमाण पत्र होना जरूरी है, तो यहाँ पे फिलहाल हम नहीं फिल करते हैं। इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन है, यदि परिवार के मुखिया की मृत्यु हो चुकी है तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, अन्यथा इस प्रकार छोड़ देना है। इसी प्रकार महत्वपूर्ण ऑप्शन और है, विवाह अथवा अन्य किसी कारण से घर में निवासरत नहीं है तो आपको ये ऑप्शन क्लिक करना है, अन्यथा इसे भी छोड़ देना है। फिर है शैक्षणिक योग्यता, तो इसमें क्लिक करके देखते हैं। तो इसमें ऑप्शन से देखिए, निरक्षर, साक्षर, पाँचवीं पास, आठवीं पास, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, और नेक्स्ट है प्रोफेशनल योग्यता। तो जो भी लागू हो उसे सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर मैं साक्षर को क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद है रोजगार की जानकारी, कृषि कार्य, स्वरोजगार, शासकीय नौकरी, निजी नौकरी, मजदूरी, बेरोजगार। तो यहाँ पे चलिए हम कृषि कार्य को डेमो के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं। अगला ऑप्शन है निराश्रित परिवार, हाँ या नहीं में बताना है। यदि नहीं है तो नहीं पे सिलेक्ट करना है, हाँ है तो हाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। फिर है प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत है या नहीं। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन है। यदि आप नहीं सिलेक्ट करते हैं तो कुछ भी और ऑप्शंस ओपन नहीं होंगे, और यदि आप हाँ सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको भरना होगा प्राप्त राशि भरे, प्रधानमंत्री आवास के लिए आपको कितनी राशि स्वीकृत है, तो यहाँ पे आपको फिल करना है। तो यहाँ पे आपको छह प्रकार की सूचियाँ जनपद पंचायत के माध्यम से मिलने वाला है, जिसमें पहला है SECC 2011, प्रधानमंत्री आवास स्थायी प्रतीक्षा, आवास प्लस सूची क्रमांक, राशन कार्ड क्रमांक, ये पहले से फील्ड रहेगा, धान विक्रय का किसान पंजीयन क्रमांक, नरेगा जॉब कार्ड क्रमांक। इसके बाद है परिवार के अन्य सदस्यों की जानकारी। तो यहाँ देखिए दोस्तों, चार कॉलम बने हुए हैं, क्रमांक, सदस्य का नाम, आयु, और देखें तो यहाँ पे देखिए क्रमांक दो से शुरू है, यानी कि जो मुखिया है वो एक नंबर है और बाकी फिर दो नंबर से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे जितने भी सदस्य रहेंगे सभी की जानकारी को आपको अपडेट करना पड़ेगा। तो चलिए हम देखे पर क्लिक कर लेते हैं। देखे पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से सदस्य की जानकारी ओपन होगा, नाम आधार कार्ड में जैसा है, मुखिया से संबंध, लिंग, आयु, मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे चलिए एक मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, डेमो नंबर, ये इस तरह से। फिर यहाँ पे है निःशक्त है या नहीं, नहीं, शैक्षणिक योग्यता चयन करेंगे, यहाँ पे मैं हाई स्कूल ले लेता हूँ, रोजगार की जानकारी, कृषि कार्य,
इसके बाद है आधार की फ़ोटो लेवें। फ़ोटो लेने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम एक डेमो फ़ोटो ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ पर हमें सिंपल क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका कैमरा ऑन हो जाएगा और इस तरह से आप आधार कार्ड रखे रहेंगे, उसे कैप्चर कर देना है। क्योंकि मैं डेमो वीडियो बना रहा हूँ इसलिए कहीं से भी कैप्चर कर दिया। इसके बाद यहाँ पे रहेगा इस तरह से राइट का निशान, इस पर आपको क्लिक करना है। इसमें एडिट का ऑप्शन नहीं है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे अपलोड हो चुका है। यहाँ पे इसका आधार नंबर आ जाएगा। फिर है सदस्य की मृत्यु हो चुकी है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, अदरवाइज इसे छोड़ देना है। नेक्स्ट है विवाह अथवा अन्य किसी कारण से घर में निवासरत नहीं है, और फिर आपको सुरक्षित करें पर क्लिक कर देना है। सदस्य की जानकारी सुरक्षित हो गया है, इस तरह से आ जाएगा। चलिए दूसरा सदस्य का भी देखते हैं। देखें इसके पश्चात फिर से यहाँ पे हम सभी जानकारी को फिल करेंगे। मोबाइल नंबर, डेमो नंबर डाल देता हूँ। इसके बाद नहीं, शैक्षणिक योग्यता चयन करेंगे, आठवीं पास, रोजगार, स्वरोजगार ले लेते हैं इसमें। आधार की फ़ोटो ले में, फिर से यहाँ पे आधार की फ़ोटो ले लेते हैं और इस प्रकार हम इसे कैप्चर कर लेते हैं। फिर से यहाँ पर राइट का निशान आएगा, इस पर हम क्लिक करेंगे जिससे यहाँ पे अपलोड हो जाएगा इस तरह से। फिर आगे बढ़ते हैं, सदस्य की मृत्यु हो चुकी है तो क्लिक करना है, अदरवाइज छोड़ देना है। फिर से हमें सुरक्षित करें पर क्लिक कर देना है। सदस्य की जानकारी सुरक्षित हो गया है। इसी प्रकार तीसरा सदस्य का भी करते हैं। यहाँ भी हम मोबाइल नंबर डाल देते हैं। इसके बाद नहीं, शैक्षणिक योग्यता आठवीं पास कर देते हैं, रोजगार, स्वरोजगार। फिर से यहाँ पे हम आधार की फ़ोटो अपलोड करेंगे और फिर से इसे सुरक्षित कर देते हैं इस तरह से। अब दोस्तों यहाँ पे हमें अन्य सूचियों का क्रमांक भी डालना है, तो डेमो के लिए मैं यहाँ पे कुछ भी नंबर डाल देता हूँ जल्दी से। ये आवास प्लस में भी डाल देता हूँ, राशन कार्ड तो है, यहाँ भी नरेगा जॉब कार्ड क्रमांक, ये मैंने सभी नंबर डाल दिया डेमो के लिए। परिवार की जानकारी को हमने एडिट कर लिया है। और यदि आपको अन्य सदस्य और जोड़ना है तो आपको सदस्य जोड़े पर क्लिक करना है। इसके पश्चात इस तरह से सेम फॉर्म ओपन हो जाएगा, तो इसे भी आपको अपडेट कर लेना है। चलिए मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ। इसके पश्चात है, देखिए समस्त स्रोतों से परिवार की कुल वार्षिक आय, तो यहाँ पे सभी परिवारों का आय डालना है योग करके। तो जैसे कि कृषि, मजदूरी, नौकरी, स्वरोजगार, सभी परिवार का एक साथ यहाँ पे एक जाय होगा। तो जैसे कि यहाँ पे मैं कृषि का डाल देता हूँ, 1 लाख डाल दिया मैंने। मजदूरी का डाल देता हूँ, इसी प्रकार और भी हो तो उसे भी फिल कर देना है। इसके पश्चात आगे बढ़ते हैं, आयकर दाता हाँ या नहीं। यदि आप नहीं करते हैं तो भी कुछ ऑप्शन नहीं आएगा, हाँ पे भी कुछ ऑप्शन नहीं आएगा, इसमें सिर्फ हाँ या नहीं में डालना है। फिर है परिवार की भूमिका जानकारी, इसमें है भूमि का प्रकार, कृषि भूमि सिंचित एकड़ में, कृषि भूमि असिंचित एकड़ में, कृषि भूमि एकड़ में, आवासीय प्लाट वर्ग फुट में, व्यावसायिक प्लाट भी वर्ग फुट में। और ये दोस्तों आपको क्षेत्रफल में बताना है, एकड़ में और वर्ग फुट में। तो जैसे कि चलिए यहाँ पे मैं कृषि भूमि सिंचित में 2 वर्ग फुट डाल देता हूँ, सॉरी 2 एकड़, और आवासीय प्लाट डाल देते हैं 1 एकड़, ये एग्जाम्पल के लिए है। फिर है आवास की जानकारी, तो यहाँ हम चयन करें पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑप्शंस हैं, स्वयं का आवास है, किराए का आवास है, कोई आवास नहीं है। यदि आप किराए का आवास सेलेक्ट करते हैं तो और अन्य ऑप्शन नहीं आएगा। इसी प्रकार कोई आवास नहीं है तो भी कोई ऑप्शन नहीं आएगा। और यदि आप स्वयं का आवास सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आएगा, यदि स्वयं का आवास है तो उसकी जानकारी, कच्चे कमरों की संख्या, पक्के कमरों की संख्या। तो यहाँ पे चलिए हम 1 और 1 डाल देते हैं। इसके बाद है आवास की फ़ोटो अपलोड करें। अब यहाँ पे आवास की फ़ोटो आप कैसे अपलोड करेंगे, तो जहाँ पे आपने मकान नंबर लिखा था घर के सामने में, वहीं पे मुखिया को खड़े करना है और घर का कुछ भाग आना चाहिए, मकान नंबर आना चाहिए और मुखिया का फ़ोटो आना चाहिए, तीनों ही आना चाहिए। ऐसे आपको फ़ोटो खींच लेना है और यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे चूंकि मेरे पास फ़ोटो नहीं है इसलिए ऐसे एक फ़ोटो अपलोड कर देता हूँ।
ये मैंने अपलोड कर दिया। इसके बाद है आवास में शौचालय है या नहीं। यदि नहीं है तो कोई बात नहीं है, और यदि है तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा यदि शौचालय है तो चयन करें कच्चा है कि पक्का है, तो यहाँ पे हम पक्का पर क्लिक करते हैं। फिर है शौचालय का फ़ोटो अपलोड करें, तो यहाँ पे शौचालय का फ़ोटो अपलोड करते समय मुखिया को खड़े करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आपको शौचालय के फ्रंट का फ़ोटो खींच करके अपलोड कर देना है। इसके बाद है सिंचाई साधन, तो यहाँ सिंचाई साधन में है खुला कूप, नल कूप, ड्रिप, स्प्रिंकलर, बिजली का मोटर, डीजल पंप, सोलर पंप, अन्य। यदि है तो इस तरह से चेकबॉक्स पे क्लिक करना है, और नहीं है तो छोड़ देना है। इसके बाद वाहन एवं अन्य सामग्री, इसमें है ट्रैक्टर, चार पहिया वाहन, तीन पहिया वाहन, दो पहिया वाहन, अन्य कृषि उपकरण, टीवी। तो यहाँ पे आपको संख्या देना है, तो जैसे कि चार पहिया वाहन एक डाल देते हैं एग्जाम्पल के लिए, दो पहिया वाहन दो डाल देते हैं, और टीवी दो, फ्रिज एक, इस प्रकार से संख्या डालना है। अगला है ईंधन व्यवस्था, इसमें है लकड़ी, गोबर के उपले, कुकिंग गैस, घरेलू ईंधन। यदि आप लकड़ी सिलेक्ट करते हैं तो आगे और ऑप्शंस नहीं आएंगे। इसी प्रकार गोबर के उपले, फिर है कुकिंग गैस, यदि आप कुकिंग गैस सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आएगा कुकिंग गैस की जानकारी, सामान्य कनेक्शन है कि उज्ज्वला कनेक्शन है। यदि आप सामान्य कनेक्शन सेलेक्ट करते हैं या उज्ज्वला कनेक्शन सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आएगा पिछले वित्तीय वर्ष में रिफिल की संख्या, यानी कि आपने पिछले वित्तीय वर्ष में कितने बार गैस भराए हैं। इसी प्रकार यहाँ पे यदि आप घरेलू ईंधन सेलेक्ट करते हैं तो भी और ऑप्शन नहीं आएंगे। तो यहाँ पे चलिए मैं संख्या डाल देता हूँ, 10 बार रिफिल किया है हमने। फिर है क्या परिवार के सदस्यों को कौशल प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है। यदि आप नहीं सिलेक्ट करते हैं तो कोई बात नहीं है, और हाँ सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आएगा परिवार के कितने सदस्यों ने कौशल प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसकी संख्या यहाँ पे डालना है सदस्यों की। यदि कौशल प्रशिक्षण प्राप्त किया तो उससे आय में वृद्धि, वो भी डालना है यहाँ पे। फिर है घर में विद्युत कनेक्शन, यहाँ चयन करना है कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन स्थायी है, कनेक्शन अस्थायी है, सोलर ऊर्जीकृत है। तो यहाँ पे आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है मैं एतद् द्वारा आधार के प्रावधानों, वित्तीय और अन्य सब्सिडी का लक्षित वितरण अधिनियम 2016 के अनुसार आधार प्रमाणीकरण प्रणाली के माध्यम से छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के आधार पर शासन की भावी योजनाओं में DBT हेतु मेरी पहचान को प्रमाणित करने के लिए मेरे आधार विवरण के उपयोग की सहमति देता हूँ। तो यदि सहमति देते हैं तो यहाँ पर क्लिक करना है, और सुरक्षित करें पर क्लिक कर देना है। सुरक्षित करें पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा डाटा सफलतापूर्वक अपडेटेड किया गया। इसके पश्चात यहाँ पे आप सर्वे पूर्ण एंट्री लिस्ट पे जाकर के देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने अभी से कंप्लीट किया है, इसका सर्वे किया है, तो यहाँ पे एक नंबर आ गया। इसी प्रकार जितना भी आप एक दिन में करेंगे वो सब यहाँ पे आते जाएगा। अब आपको क्या करना है, बैक आना है, और बैक आने के पश्चात यहाँ पे है सर्वे डाटा को सर्वर में अपलोड करें, ये आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आ रहा है डाटा एंट्री एवं सर्वर में अपलोड की गई डाटा की जानकारी, राशन से कुल एंट्री की संख्या 1, नए कुल एंट्री की संख्या 0, कुल एंट्री की संख्या 1, अपलोड किए गए एंट्री की संख्या भी 0 है। अब यहाँ हम डेटा एवं फोटो सर्वर में अपलोड करें, इस पर क्लिक करना है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा, देखिए अलर्ट, डाटा अपलोड सफलता से हो गया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए अपलोड किए गए एंट्री की संख्या 1, इस तरह से यहाँ पे संख्या शो होगा। इस तरह से आप सर्वेक्षण का कार्य करेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।